तहसील पुलिस थाना अंतर्गत हत्या का प्रयास कर भागा हुआ आरोपी पूरे 2 साल बाद पकड़ा गया है। गौरतलब है कि इस अपराधी ने 2 भाइयों को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जहां से एक की मौत हो गई, जिसके चलते अपराधी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हत्या के मामले में 2 वर्षों से फरार आरोपी को तहसील पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी ठक्कर ग्राम स्वामीनगर निवासी हिमालय राजेश निंबाड़कर उम्र 28 वर्ष बताया गया है, जिसने बेला उम्र निवासी विजय रामकृष्ण पाटे और जगन्नाथ बुधवारी के सुलभ शौचालय में रहने वाला सचिन गोपाल इंगले के साथ आरोपी हिमालय की रंजिश चल रही थी, जिस दौरान 4 जून 2021 की रात विजय और सचिन शौचालय के ओटी पर सो रहे थे और रात 1 बजे के दौरान हिमालय वहां पहुंचा। दोनों के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे विजय पूरी तरह से झुलस गया है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान विजय की मौत हो गई है। हिमालय का पूरा नाम और पता पुलिस को नहीं मिला था। काफी प्रयास करने के बावजूद वह हाथ नहीं लग रहा था और आखिरकार धारा 299 के तहत उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, लेकिन 2021 से फरार आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। प्राप्त जानकारी के आधार पर सोमवार को पुलिस को जानकारी मिली कि हत्याकांड का आरोपी हिमालय किसी से मिलने पहली पीली मार्बल चौक पर आने वाला है। खबर के आधार पर पुलिस ने परिसर में जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा, जिसके विषय में जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने। बराबर है, हमारे तहसील पुलिस स्टेशन यहाँ पे 2021 में क्राइम नंबर 480/21 भादवी 307-302 की धारा से गुना रजिस्टर हुआ था। यहाँ पे जो मृतक था विजय रामकृष्ण फाटे, ये ऐसा एक लावारिस आदमी था, वो फुटपाथ पे सोता था। ये जो आरोपी हिमालय निंबाड़कर, इसने एक रात में दोनों का झगड़ा हुआ, झगड़ा का वजह से उसने उनको जला दिया। जब वो जल रहा था तब उनको नींद में था, जल रहा था तब उनको पता चला कि मैं जल रहा हूँ, वो तुरंत उठा और तब हिमालय निंबाड़कर वहाँ से भाग रहा था उनको जला के। उसके ध्यान में आए, उनको पुलिस को फोन आई, पुलिस ने उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन वो ज़्यादा जला होने की वजह से वो बच नहीं सका, इसलिए धारा 302 भी बढ़ाई गई। और जब से गुना जून 2021 में हुआ था, तब से आरोपी फरार था और अलग अलग शहर में अलग अलग वेश धारण करके रह रहा था। बहुत से प्रयास किया गया, लेकिन वो मिले रहा था। अभी वो 1 महीने से नागपुर में ऐसा हमारे प्रिवेंटिव सेल के PSI भवाड़ और ASI आत्राम, इनको जानकारी मिली। ASI आत्राम और उनकी टीम ने एक अच्छे उनके पीछे टीम लगाई और वो 1 हफ्ते से उनके पीछे थे। और आज सुबह जब वो पीली नदी से एक ऑटो में जा रहा था, तब उनको तहसील पुलिस स्टेशन के हाथ में दबोचा उसने और आरोपी को हिरासत में लिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।